हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं inkhabar.com। शान, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर, किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। सैकड़ों फिल्मों में उन्होंने गाना गाया और आज भी वो बहुत शहरों में जाकर लाइव कॉन्सर्ट करते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है उनको लेकर गुवाहाटी से। आसाम के गुवाहाटी में शान एक लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे। वहाँ पर पहले उन्होंने बहुत सारे गाने हिंदी में गाए, लेकिन अचानक जब उन्होंने एक गाना बंगाली में गाया तो वहाँ पर जितने दर्शक थे वो भड़क उठे, गुस्सा गए और सैकड़ों की भीड़ थी वहाँ पर, लोगों ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और कागज़ के गोले बनाकर फेंकने लगे। हालांकि बड़ी बात यह है कि वहाँ जितने भी लोग, जितने भी कलाकार स्टेज पर मौजूद थे, किसी को भी चोट नहीं आई। उसके बाद शान बीच में शो छोड़कर बैक स्टेज चले गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि कैसे वो इतने फीवर के बाद, जब देखा उन्होंने कितने स्पॉन्सर के पैसे लगे हैं, तब वो शो पे परफॉर्म करने आए। हालांकि बाद में आयोजक स्टेज पर आए और उन्होंने बीच बचाव किया और भीड़ को समझाया। आपको बता दें, जब शान ने बंगाली गाना शुरू किया था तभी लोग भड़क उठे थे, लेकिन फिर भी शान नहीं रुके और शान लगातार बंगाली गाना रखने लगे। उसके बाद लोगों का गुस्सा उमड़ पड़ा और वो पत्थर फेंकने लगे और उन्होंने यहाँ तक कहा, ये आसाम है, बंगाल नहीं है, कि यहाँ पर कोई आदमी बंगाली गाना गाए। वैसे आपको बता दें, शान के सैकड़ों फैन हैं, लाखों लोग उन्हें चाहते हैं और शान भी बड़े दिल के कलाकार हैं। उसके बाद वो स्टेज पे वापस आए और फिर से अपना शो जारी किया। आपको बता दें, उसके बाद शान ने अंतिम में एक ट्वीट किया और कहा कि गुवाहाटी का शो बहुत ही सक्सेसफुल था, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था और उन्होंने कहा ये छोटा इंसिडेंट की वजह से वो जिन्होंने एंजॉय किया इतना शो को, वो उसे ख़राब नहीं करना चाहते हैं। हम लगातार इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।